नमस्कार, मेरा नाम है करप्ट अप्लीकेशन स्मार्ट पॉइंट। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कैनरा बैंक को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अगर आज आप कोई IMPS कर रहे होंगे कैनरा बैंक से, तो वो ज्यादातर फेल हो रहा होगा या फिर प्रोसेसिंग में चला जा रहा होगा या फिर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही होगी। ठीक है, ऐसा क्यों है और क्यों आ रहा है आज की इस वीडियो में यही बात करेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, जो कैनरा बैंक का IMPS है वो आज के लिए बंद है। ठीक है, यानी आज के लिए वो बंद कर दिया गया है, आज की डेट के लिए बंद किया गया है। अभी आप लोग कहोगे भाई हमको तुम पागल क्यों बना रहे हो, तो जितने भी कैनरा बैंक के कस्टमर्स हैं उनके पास एक मैसेज गया है कैनरा बैंक की तरफ से। कौन सा वो मैसेज है, कैसे गया, वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। साइड में आप एक मैसेज देख पा रहे हो जहाँ पर लिखा हुआ है कैनरा IMPS सर्विस विल नॉट बी अवेलेबल इंटरमिटेंटली 7/4/2023 फ्रॉम 12 बजे से लेके 1 बजे तक। ठीक है, जो कि मैं हिंदी में बता रहा हूँ, यानी यहाँ पर साफ साफ ये दे रहा है कि IMPS सर्विस जो है 12 बजे से लेके 1 बजे तक के लिए बंद है, वो भी 7/4/2023 यानी आज के दिन के लिए। ठीक है, हालांकि ये जो प्रॉब्लम है इस वजह से दिखेगी क्योंकि शायद आज गुड फ्राइडे है और उसके बाद हो सकता है 2 दिन के लिए बंद रहे, क्योंकि 2 दिन फिर से छुट्टी है बैंक की, तो ये इसी वजह से बंद कर दिया गया है। जैसे आपको पता है अभी SBI के सर्वर 1 तारीख से बंद चल रहे हैं, डाउन चल रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो इसी प्रकार से कैनरा बैंक का भी IMPS आज के लिए बंद कर दिया गया है। अगर आज की डेट में आप कोई भी IMPS करते हो कैनरा बैंक से, तो वो ज्यादातर प्रोसीजिंग में जाएगा, फेल हो जाएगा या फिर आपका पैसा जो वहां पर अटक जाएगा। ठीक है, तो आज की डेट में IMPS फंड ट्रांसफर ना करें कोई भी आप लोग कैनरा बैंक से, हालांकि SBI से भी ना करें क्योंकि SBI से भी पैसा जो है फंस रहा है आज की डेट में। छोटा सा अपडेट देना था, अगर ये अपडेट अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल में हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आगे के ऐसी वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूं आप लोगों से दूसरी वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।